और ये हो चुका है पूरा फिनिश। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिश पर कंपाउंड कैसे करते हैं। इसके ऊपर मैंने ब्रश से मेलामाइन पॉलिश की है, एक मैट फिनिश है और दूसरी ग्लॉस फिनिश है। तो इसके ऊपर हमें कंपाउंड करना है क्योंकि इसमें निशान दिख रहे हैं ब्रश के, तो ये निशान सारे मिटाने हैं हमें, तो उसके लिए कंपाउंड करना पड़ेगा। कंपाउंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर 600 नंबर का रेगमल लगाएंगे वाटरप्रूफ का, उसके बाद में 1000 नंबर का रेगमल लगाएंगे पानी के साथ में, और उसके बाद में 2000 नंबर का रेगमल लगाएंगे। और दोस्तों, मेरे एक ई बुक भी है, अगर आपको पेंट और पॉलिश की अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी ई बुक खरीद सकते हैं आप। इसमें आपको पेंट और पॉलिश की हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, और किस तरह से करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। खरीदने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर क्लिक करके आप ई बुक पर पहुँच जाएंगे। और व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भर के, अमाउंट भर के यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले लगाना है हमें 600 नंबर का रेगमाल, पानी के साथ में ही लगाना है रेगमाल। अगर आप सूखा लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, आपको पानी के साथ में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस लकड़ी के ऊपर एक पर मैंने मेलामाइन मैट की हुई है और एक के ऊपर मेलामाइन ग्लोसी की हुई है। अब इन दोनों की फिनिशिंग देखते हैं कंपाउंड करने के बाद में कैसी रहती है, ग्लॉस में हो जाता है या मैट में हो जाता है। अगर आपने ब्रश से या हाथ से पॉलिश की है मेलामाइन पॉलिश या प्यू पॉलिश, तो उसके ऊपर कंपाउंड लगाना ज़रूरी है क्योंकि ब्रश से करने से उसके ऊपर निशान रह जाते हैं ब्रश के। अगर आप स्प्रे से करते हैं फिर तो बिना कंपाउंड के भी चल जाएगा। रेगमाल लगा के इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई करना है 1000 नंबर का रेगमाल। इसको भी उसी तरह से प्रयोग करना है जैसे हमने 600 नंबर का रेगमाल लगाया था, अच्छी तरह से दबा के इसको भी रगड़ देना है। और इस लकड़ी के ऊपर ब्रश से पॉलिश कैसे हुई, अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। रेगमाल लगाने के बाद में इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े से अच्छी तरह से, इस तरह से पूरा साफ कर लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर हमें 2000 नंबर का रेगमाल मारना है उसी तरह से। ये देख सकते हैं आप, इसमें अगर आपका रेगमाल सही लगा होगा तो इसकी चमक पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पूरा बराबर दिख रहा है। अगर रेगमाल सही नहीं लगा होगा तो इसमें हल्की हल्की सी चमक नज़र आएगी, तो इसमें अगर चमक रह जाती है तो आपको अच्छी तरह से दबा के रेगमाल लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर चमक रह गई तो कंपाउंड से अच्छी तरह से नहीं होगा। अब इसके ऊपर 2000 नंबर का रेगमाल अप्लाई करना है, ये फिनिशिंग के लिए है। ये रेगमाल आप जितना बढ़िया लगा देंगे उतनी बढ़िया इसकी शाइनिंग हो जाएगी, उतनी स्मूथ फिनिश हो जाएंगे, सारे स्क्रैच मिट जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आपको पेंट और पॉलिश की वीडियो मिल जाएंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रेगमाल लगाने के बाद में इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है, पूरा पानी लगा हुआ है जो उसको सुखा लेना है। अब इसके ऊपर हमें कंपाउंड ही करना है गल्ला। सूखने के बाद में इसको चेक कर लें कि इसमें कहीं शाइनिंग तो नहीं है, अगर शाइनिंग है तो इसमें और रेगमाल लगा दें। इसके बाद में हमें कंपाउंड करना है, ये है रबिंग कंपाउंड, वैक्स पॉल कंपनी का है ये। इसकी MRP है 75 रुपीज़, 200 ग्राम की पैकिंग है ये। ये देख सकते हैं इसमें इस तरह का पेस्ट होता है, और आप चाहें तो 3M का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है उसका। 3M का थोड़ा सा महंगा मिलता है, वो लगभग 150 रुपये के आसपास का मिलेगा। और इस तरह से लगा देना है पूरी लकड़ी के ऊपर, फिर इसको इसके ऊपर कपड़ा रगड़ना है। अब आप इसके ऊपर जितना कपड़ा रगड़ेंगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। और आप चाहें तो इसमें ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बफिंग करने के लिए एक स्पेशल ग्राइंडर आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी रगड़ सकते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। हाथ से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी ग्राइंडर से तो ग्राइंडर ही काम करेगा जो भी करना है। और ये देख सकते हैं इस तरह की शाइनिंग हो गई है इसकी, पूरा हाई ग्लोस में हो गया है ये। और इसके ऊपर अगर आपको पॉलिश लगानी है ज़्यादा शाइनिंग के लिए तो आप इसके ऊपर पॉलिश भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास है, वैक्स पॉल कंपनी की है, सिलिकॉन लिक्विड पॉलिश है ये, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा शाइनिंग के लिए, या कोई दूसरी भी पॉलिश प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो, उसका कोई चक्कर नहीं होता है, पॉलिश होनी चाहिए बस। और ये हो चुका है हमारा पूरा क्लियर, ये देख सकते हैं आप। ये एक मैट है और एक ग्लोसी है जो हमने मारा था, ये मैट वाला है और ये ग्लोसी वाला है,
कंपाउंड रगड़ने से दोनों की फिनिशिंग एक जैसी ही हो गई है, इसमें कोई फर्क नहीं पता लग रहा है कौन सी मैट थी और कौन सी ग्लोसी थी। ये देख सकते हैं आप, दोनों हैं हाई ग्लॉस फिनिश में, दोनों ही हो गई हैं।